सिंगरौली में फर्जी दस्तावेज बनाकर रजिस्ट्री करने का मामला सामने आया है। आरोपी गलत तरीके से दस्तावेज तैयार करते थे और फिर भूमि की रजिस्ट्री करा लेते थे। सरई थाना प्रभारी संतोष तिवारी ने बताया कि आवेदक ब्रजमोहन साके द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र की जांच में पाया गया कि आवेदक के पट्टे की भूमि की कुछ लोगों ने फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार की, गलत दस्तावेज फर्जी तरीके से बनाए गए और फिर भूमि की रजिस्ट्री और नामांतरण करा लिया गया। फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हाँ, सरई थाना क्षेत्र के ग्राम गन्नई झुरा नाम में एक जो है ब्रजमोहन साकेत जो उड़गड़ी बागा आदि के रहने वाले हैं, उनकी जमीन थी यहाँ पर 4.5 एकड़ के लगभग, और 2017 में उस जमीन को किसी अन्य व्यक्ति ने ब्रजमोहन बनकर, जो कि संबल साकेत के रूप में परिलक्षित हुआ है, उसने नई ऋण पुस्तिका तैयार कराकर जिसमें ब्रजमोहन की जगह अपनी फोटो लगाकर और उस जमीन को नवानगर के कुछ लोगों को बेच दिया। और यह जमीन साल में 2 बार बिकी। उसमें उस जमीन में इनके जो लड़के हैं और इनके जो अन्य लोग हैं परिचित रिश्तेदार, वही गवाह बने और उन्होंने ही संबल को ब्रजमोहन के रूप में बताया और एक पूरा सिंडिकेट के रूप में, एक पूरे ग्रुप के रूप में इन्होंने इस पूरे काम को अंजाम दिया और उसकी पूरी 4.5 एकड़ जमीन को इन्होंने बेच दिया और पैसे हड़प गए। इस जो सूचना पर जो है, जो हमारे पास जांच आई, उस जांच पर से पाया गया कि प्रथम दृष्टया ये अपराध है और उस पर से धारा 419, 420, 467, 468 और 471 34 भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी विवेचना जारी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।